स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पंकज आडवाणी, जिन्होंने हाल ही में अपना 28वां विश्व खिताब जीता, किस खेल से जुड़े हैं? ए बिलियर्ड्स, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट, डी टेनिस। आंसर ए बिलियर्ड्स। एक्सप्लेनेशन, अनुभवी भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने 2024 विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती, नवंबर 2024 में अपना 28वां विश्व खिताब और अपनी लगातार 7वीं जीत हासिल की। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस प्रमुख भारतीय शिक्षाविद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आंसर बी मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। वे 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। साल 2008 से वैधानिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न। 2024 में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहां आयोजित किया जा रहा है? ए टोक्यो जापान, बी न्यूयॉर्क USA, सी बाकू अजरबैजान, डी पेरिस फ्रांस। आंसर सी बाकू अजरबैजान। एक्सप्लेनेशन, 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या COP29 11 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में शुरू हुआ। पर्यावरण से जुड़े इस कार्यक्रम में भारत समेत लगभग 200 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों के लिए जलवायु वित्त का नया लक्ष्य तय करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगला प्रश्न। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित अनुष्का शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? ए बांसुरी, बी वायलिन, सी तबला, डी सितार। आंसर डी सितार। एक्सप्लेनेशन, 67वें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित होने वाली अनुष्का शंकर एक भारतीय संगीतकार और सितार वादक हैं। अनुष्का शंकर को उनके एल्बम चैप्टर 2 हाउ डार्क इट इज बिफोर डॉन के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट चैंट एल्बम श्रेणी में नामांकित किया गया। अगला प्रश्न। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद किन दो देशों के बीच बारी बारी से होता है? ए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया और जापान, सी भारत और ऑस्ट्रेलिया, डी भारत और रूस। आंसर सी भारत और ऑस्ट्रेलिया। एक्सप्लेनेशन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद बारी बारी से दोनों देशों में होता है। साल 2024 में यह अभ्यास 8 से 21 नवंबर के बीच महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया गया। इससे पहले साल 2023 में यह अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का मकसद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य सहयोग और सामरिक अंतर संचालन को बढ़ाना है।